नमस्कार जोहार, मैं एआर बोकारवी, आप सबका ग्रामीण टीवी में स्वागत है। और इस वक्त मैं बोकारो के भर्रा बस्ती में बना मदरसा गोसिया फैजुल इस्लाम में हूँ। और मेरे साथ में जो मदरसा के कारी साहब हैं इकरामुल हक और इसी मदरसा के सदर साहब हाजी अब्दुल मालिक जी हैं। और कुछ तस्वीरें हम आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं और इनके सर पे पगड़ी क्यों है, ये तमाम चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। इकरामुल साहब ज़रा बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं जिनके सरों पे दस्तार यानी अमामा शरीफ बांधी हुई है, ये वो बच्चे हैं जो दूर दराज पूरे झारखंड से हमारा मदरसा गौसिया फैजुल इस्लाम में एडमिशन लेके कई साल तक मेहनत किए। और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने पूरे कुरान को मुकम्मल तौर पे ज़बानी याद किया और 21 फरवरी को हम लोग मदरसा गौसिया फैजुल इस्लाम में दस्तारबंदी का प्रोग्राम कराते हैं और उसी में डिग्री देते हैं। और उस डिग्री से पहले हम इन बच्चों को पूरे आवाम के बीच टेस्ट लेते हैं। वही टेस्ट होने जा रहा है जिसमें फजर बाद से ये बच्चे कुरान पाक की तिलावत शुरू किए हैं और मगरिब बाद तक इन बच्चों को पूरा कुरान कंप्लीट करना है। हम आवाम को इन बच्चों के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहते हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बच्चों में से एक बच्चा भर्रा का भी है जो अयूब रिजवी मोहल्ला का रहने वाला अकमल रज़ा है। ये बच्चा नहायत तेज़ तर्रार है। मैं इनके माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना बच्चा को मदरसा गौसिया फैजुल इस्लाम में भेजा और बहुत कम वक्त में यानी सिर्फ 14 महीने में इस बच्चे ने पूरे कुरान को याद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा हमारे बीच मौजूद है और उन्होंने पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया। और आने वाली 21 इस बच्चे की उम्र तकरीबन 12 साल है और 12 साल में इस बच्चा ने पूरा कुरान को याद कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे सामने जितने बच्चे हैं इन बच्चों को कुरान याद करने में किसी का 4 साल किसी का 3 साल लगा है, लेकिन ये बच्चा बड़ी कम वक्त में बड़ी तेज़ी के साथ कुरान पाक को याद कर लिया। हम इनके वालिदैन से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप इस बच्चे के पीछे और थोड़ी तवज्जो देंगे और मेहनत करेंगे तो ये बच्चा कल आपका पूरे हिंदुस्तान लेवल पे एक अच्छा आईपीएस बन सकता है या बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है या बेहतरीन प्रोफेसर बन सकता है या बहुत बड़ा आलिम दीन बन सकता है। हम अहले भर्रा से ये गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने बच्चे को मदरसा गौसिया फैजुल इस्लाम भेजें ताकि आपका भी बच्चा इस तरह आवाम के सामने खड़ा होकर कुरान पाक की तिलावत कर सके। तो ये थे इकरामुल हक जो कारी साहब हैं मदरसा गौसिया फैजुल इस्लाम के। और हम जानना चाहेंगे सदर साहब कि दुनियावी तालीम दीनी तालीम हम लोग यहाँ से इस मदरसा से हम लोग हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि दुनियावी तालीम से हम लोग दुनियावी लोगों से पीछे तो नहीं हट रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, आप लोग से मेरा एक ही ख्वाहिश है, जितने भी झारखंड में खास करके पूरे हिंदुस्तान की तो बात है लेकिन हम खास करके झारखंड के बोकारो की बात करेंगे कि जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दीजिए, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन दीनी तालीम भी दीजिए। दीनी तालीम जिस बच्चे ने अरबी और उर्दू पढ़ लिया समझिए कि हाफिज बन गया या आलिम बन गया, तो वो लड़का किसी भी सब्जेक्ट में ये, क्योंकि हाफिज बनना एक मतलब कि मुखस्ती करना होता है, जैसे कि आप एकदम पूरा कुरान को अपने सीने में मतलब याद करके रखते हैं, तो जो लड़का 30 पारा को याद करके रखा वो कोई भी किताब पढ़ेगा उसको तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस हाफिज बनने के लिए कम से कम 16 घंटा लड़का लोग पढ़ते हैं तब जाकर हाफिज बनते हैं। इसलिए आप लोग से भी आप किसी भी देखिए
चाहे प्रोफेसर हो या इंग्लिश मीडियम के टीचर हो या हिंदी मीडियम के टीचर हो, वो पहले बच्चे को या उसके गार्जियन को यही बतलाते हैं कि कम से कम 8 घंटा इस बच्चे को पढ़वाइए, तब ये बच्चा कहीं अपना स्कूल में टॉपर आएगा। तो जब 8 घंटा में टॉपर आएगा तो जो लड़का प्रैक्टिस है 16 घंटा का, वो लड़का समझिए कि टॉपरों का टॉपर निकलेगा। अगर हम लोग अगर यदि थोड़ा सा ध्यान दें, इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाई